हेलो एवरीवन, टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, परचेज ऑर्डर का जहां छोड़ा था वहां सेकंड पार्ट है ये BG17 जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से खत्म हुआ था, ठीक है गाइस। तो आते हैं, हमने माउस का बना दिया था लैपटॉप का, और दूसरा आइटम माउस बना दिया था। अब उसकी क्वांटिटी डालनी बच गई थी, सेम जिस हिसाब से आप क्वांटिटी डालो। अभी सिर्फ समझने के पर्पज से हम डाल रहे हैं, ऐसा कोई हमारे पास लिस्ट उस्ट नहीं है जिससे हम डाल। एक और आइटम ले लेते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो पता ही है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 करना है, ठीक है। आइटम का नाम डालते हो तो ये पेज खुलेगा, उसमें आप मॉनिटर डाल दोगे, और मॉनिटर पीसेस में ही काउंट होते हैं, और डायरेक्ट सेव कर दोगे, नहीं तो एंटर एंटर करके जाओगे ना तो सेव करोगे, ठीक है। आ गया ये, यहाँ पे माउस सर्च लिखोगे तो माउस मॉनिटर का सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वांटिटी लिख दो कि कितने हो सकते हैं, उसी हिसाब से प्राइस लिख दो। एक का प्राइस लिखोगे तो 15 से मल्टीप्लाई करके वो टोटल काउंट करके आपको लास्ट वाले अमाउंट में यहाँ पे दिखा देगा, जैसे सबका दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब गाइस, इसमें F2 से F2 करना है सेव। डायरेक्ट सेव करने का तरीका F2 है, ठीक है, इसको ध्यान रख लो गाइस। सेव करना है, पहले एंटर एंटर करके हम सेव करते थे नीचे जाके, और लेकिन इसमें F2 भी दबा दोगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। डायरेक्ट एंटर इतना करना ही है। एक इसके पीछे जाएंगे स्कैप से, ठीक है। डिस्प्ले में जाके हम यहाँ पे कुछ चीजें ऑर्डर चालान प्रोसेसिंग को एंटर करेंगे, और उसमें जो हमारा है ना ये पेंडिंग करके, पेंडिंग ऑर्डर में जाके ये हमारा परचेज ऑर्डर पार्टी वाइज, क्योंकि परचेज का काम कर रहे हैं। इसमें हमें सेलेक्ट करना है ऑल अकाउंट, पहला में ऑल अकाउंट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ऑल आइटम, वन अकाउंट ऑल आइटम, ठीक है ना। वन अकाउंट ऑल आइटम को सेलेक्ट करना है गाइस, ध्यान रखो वन अकाउंट ऑल आइटम, ठीक है। उसके बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ सोन एंड सन्स आ ही गया जो हमने बनाया था पेंडिंग, ठीक है, जो डेट आ गई। फिर उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद आपकी ये पेंडिंग परचेज ऑर्डर का ये लिस्ट खुल गया कि हमने ये सब पेंडिंग है। पेंडिंग्स का मीन्स गाइस कि हमने ऑर्डर दिया फिर उनकी लिस्ट बन गई, ये अभी पेंडिंग में है ना, क्योंकि अभी मिली नहीं है ये सब सामान। अगर हमने खरीद के दे दी तो वो फिर काम का हो गया, ठीक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ पेंडिंग में दिया ये सब चीजें, तो ये पेंडिंग में ही है, ठीक है गाइस। अब गाइस क्या करना है, एक स्टेप पीछे आना है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप नहीं है, जितनी बार पीछे करा है जब तक यहाँ तक ना आ जाओ, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो क्या है, मैट रिसीव फ्रॉम पार्टी, इसका बारे में थोड़ा बता दूं क्या है। आप उसमें हमको गुड्स डिलीवर कर दी, मान लो उसने किसी भी कंपनी ने या किसी ने भी गुड्स डिलीवर कर दी हो, तो डिलीवर करने के लिए उसमें हमें माल भेज दिया जा और हमें रिसीव हो गई तो हमारे लिए होगा मैट रिसीव फ्रॉम पार्टी। मींस कि गाइस इसमें ये बताया गया कि जो भी गुड्स डिलीवर की जाती है ना, जो डिलीवरी के समय, तो जो माल हमारे रिसीव करते हैं, जो माल हम रिसीव करते हैं उसमें मैट रिसीव फ्रॉम पार्टी में, उसकी एंट्री मैट रिसीव फ्रॉम पार्टी में करते हैं। मतलब मेरा बताने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हम करेंगे ना डिलीवर, जो हमें देता है उस चीज की एंट्री हम मैट रिसीव फ्रॉम पार्टी में करेंगे, जो अभी ऑप्शन आएगा ना आपके सामने उसमें करेंगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ज्यादा थ्योरिकल बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में गए हम मान लो, या ट्रांजेक्शन में गए, और सीधे हम जाते हैं क्योंकि थ्योरिकल में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। वहां दिखा मैट रिसीव में और एड में गए, मेन यहाँ रखा, और यहाँ पे कोई भी डेट डाल दिया, मान लो जिस दिन वो डिलीवर हुआ हमें, हमें सामान हमने परचेज करने के लिए कोई और दिन दिया था, लेकिन जिस दिन डिलीवर हुआ उस दिन का डेट डाल दिया, ठीक है। हाँ, हमारे पास गुड जिस दिन आए हैं, ठीक है। फिर वाउचर नंबर वही करके डाल दो, परचेज CH /CH, ठीक है। चालान अगर मैं 001, ठीक है, ये हो गया। फिर टाइप में आप क्या डालोगे, टाइप में आप परचेज चालान डाल दो, ठीक है, एग्जेम्प्ट डाल दो, और पार्टी का नाम जब क्रिएट करना होता सोन एंड सन्स तो हमारे पास है ही मैट सेंटर में। अब देखो ये इसी में होता है F2, हमें मैट सेंटर में बोला था ना एंट्री करने के लिए, तो F3 में जाओगे तो यहाँ नेम डालोगे क्या है, जो जगह पे, ठीक है, जिस जगह पे, मान लो किसी मार्केट का नाम ही लिख दिया मैंने अवंती का, ठीक है, जहाँ पे ये एंट्री करनी है मैट सेंटर में, ठीक है, गुड्स, ठीक है, ठीक है, पार्टी नेम हो गया, मैट सेंटर हो गया। उसके बाद गुड्स क्रिएट होता है F3 बटन से, ठीक है, और उस जगह का नाम लिख दिया F3 के बाद ये खुलता है, तो ठीक है। इसके बाद हमें इसे सेव करना है ऑर्डर सेव करने के लिए, ठीक है, सेव हो गया। यहाँ पे एंटर करके ओके करना है, यहाँ कुछ नहीं भरना। अब आइटम आता है, ठीक है,
यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको F11 की करनी है, यानी F11 ऊपर होगा फंक्शन की, ठीक है। उसे दबाओगे ना तो जितने भी हमने आइटम उसमें करे थे ना वो सारे आइटम आ जाएंगे। देखो F11 दबाया, ये पेज खुला, यहाँ पे ये टिक करना है, यहाँ पे ये ओके करोगे तो पहले हमने जितनी एंट्री करी थी सब आ गए। ये पेंडिंग अमाउंट थी ना, यही सब सामान हमें चाहिए, तो वो सारे एंट्री आ गई, तो ये सब एंट्री यहाँ से चेक होती है। तो समझ में आ रहा है कैसे F11 करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सारे खुल के आ जाएंगे ऑर्डर, ठीक है। और ये ऑर्डर ना अगेंस्ट में होंगे गुड्स के सर्विस जो रिसीव करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है गाइस। यहाँ पे सेव कर दिया हमने और यहाँ पे आए बैक बैक करके, ठीक है। अब जो स्टेप क्लियर होने के बाद अब हम पेंडिंग ऑर्डर में जाकर देखेंगे कि कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अब गाइस एक मिनट यहाँ वीडियो में स्टॉप करते हैं, थर्ड पार्ट में इसे पूरा क्लियर करते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।